जहां एक ओर गरीब जनता दाने दाने को मोहताज है, वहीं दूसरी ओर गिरिडीह के गादे स्थित न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन में पिछले 20 दिनों से लाखों रुपए का चावल सड़ गया, जिसके बाद उसे गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया गया। अधिकारियों की लापरवाही को लेकर जब खबरें छपी तो धनबाद रेलवे के FCI के पदाधिकारी भी गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों की टीम में धनबाद रेलवे के कॉमर्शियल पदाधिकारी विजय गौंड समेत कई पदाधिकारी शामिल थे, जो न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट में पड़े चावल के स्टॉक की जांच करने पहुंचे थे। जांच के क्रम में ही अधिकारियों ने पाया कि सारे स्टॉक के चावल पूरी तरह से सड़ चुके हैं और इस्तेमाल के लायक भी नहीं है। लिहाजा JCB मंगाकर रैक पॉइंट के समीप गड्ढा खोदा गया और उसमें सारे चावल डाल दिए गए। इस दौरान रेलवे और FCI के पदाधिकारियों से जब पूछा गया तो सारे अधिकारी बात घुमाते नजर आए और कहा कि इसका जवाब FCI देगा, वो तो बस जांच के लिए पहुंचे थे। दरअसल रेलवे और FCI के अधिकारियों की लापरवाही के कारण लाखों रुपए मूल्य का 1200 बोरा चावल का स्टॉक न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट में पिछले 8 महीने से पड़ा था। हैरानी की बात तो यह है कि इतने बड़े पैमाने पर स्टॉक के पहुंचने के बाद भी किसी की नजर तक नहीं पड़ी, और जब नजर पड़ी तो इसी FCI के सारे स्टॉक को मालगाड़ी के वैगन से निकालकर 15 दिन पहले रैक पॉइंट के समीप रख दिया गया, जिसके बाद सारा स्टॉक पूरी तरह से सड़ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी संवेदनहीनता के पीछे किसका हाथ है? आखिर गरीबों के निवाले को सड़ाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो अनाज एक गरीब परिवार का पेट भर सकता है, उसे सड़ाकर गड्ढे में दफन करने के पीछे की जिम्मेदारी कौन लेगा? कुछ भी बात हम नहीं बोलेंगे इसको। मीडिया हमारा जो है सीआरओ साहब नहीं सर, जैसे आप यहां क्या डिसीजन हुआ वो हम नहीं जानते। अब तो ये चावल कहां जा रहा सर? अभी हम को पता नहीं, आप नहीं देख रहे कहां जा रहा है, हम लोग नहीं देख रहे। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट।